सो क्रिसमस ट्री लगाने का समय आ गया है और अहमद ने बहुत परेशान कर दिया है मुझे क्रिसमस ट्री के लिए, एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई वांटेड टू डू इट और नॉट, बट या विल डू इट. सो जगह बनानी पड़ेगी. हमने डिसाइड किया है कि ये जैसे पिछली बार किया था, ये टेबल को उठा के उधर रखेंगे एंड प्लांट्स का बड़ा क्लटर हो जाएगा. लेटर करेंगे कुछ ना कुछ, पर फॉर नाउ वी गोना मूव द ट्री टेबल एंड मेरी बैग च पेन हो गया. ओह थैंक्स, थैंक यू वेरी मच. चलो ओके श्योर. Oh God. यार पता नहीं की प्रॉब्लम है, थोड़ा जा उधर लग गया वैसा, बस ठीक हो गया. That's it. ओके दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हुई है. अब हिम्मत बाहर प्ले करने के लिए चला गया उसके दोस्त के डॉगी के साथ. वो बहुत ही प्यारा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो. पर हम थोड़ा इसको सेट करना शुरू कर लेते हैं, फिर उसको ऑर्नामेंट्स टांगने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. हस्बैंड ना कुछ कहना चाहते हैं और मुँह च रही जाते हैं उन्होंने, मतलब बार बार आंदे आंदे अंदर जाइए. आउट ऑफ स्टेशन जाना. ओल्डन डेज ची कहते हैं कि तू ना कोई आऊगा उन्हों का एक कहना मेरा पति आउट ऑफ स्टेशन गया, आउट ऑफ रेलवे स्टेशन. व्हाट डज दैट मीन आउट ऑफ स्टेशन? तू ही क्यों नहीं करी आउट ऑफ स्टेशन जाने, मतलब कहीं स्टेशन जा. आउट ऑफ स्टेशन गया मेरा पति. ओके आई थिंक आया साडा बेस. ओके सो लास्ट पार्ट रह गया है, तो हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प की है एक्सपेक्टेड से थोड़ी सी ज़्यादा. हे गुगु प्ले क्रिसमस कैरल. ऊपर तक कनेक्ट नहीं हुआ प्रॉपर. सो ये बनने वाला है हमारा पहला ऑर्नामेंट दिस ईयर और इसको टंगने की रस्म हिम्मत निभाएगा. मैं सोच रही हूँ मैं और हस्बैंड ना गलेरियाँ टंग रहे हैं. अगले बट मैं स्टक कर दूंगी, तेरी टी शर्ट भी मैचिंग है. ओके सो ट्री लग चुका है. हम लोग ने डिसाइड किया है थोड़ा वार्म पीने का. मैं बनाने वाली हूँ हमारे लिए चाय एंड हिम्मत के लिए नाइस वार्म चोको बिकेज इट्स नाइस एंड ओके सो ट्री आई डोंट नो आप देख सकते हैं या नहीं.
मेरे पास से ये जो मॉन्स्टेरा प्लांट है इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी एंड इसकी जो मिट्टी थी वो इन्फेस्ट हो गई थी। सो मैंने उसको निकाल के इसको पानी में डाला था ताकि जड़ें निकलें एंड मैं इसको दोबारा से लगा पाऊँ। सो वो सक्सेस हो गया है, बहुत ही प्यारी सी जड़ें हैं इसमें। सो स्प्रिंग के अराउंड हम इसे पॉट करेंगे मिट्टी में, तब तक मैं इसको पानी में रहने देने वाली हूँ। सो ट्री हमारा उसके पीछे छुप गया है। अब मैं इसका पानी चेंज करने वाली थी तब, इस वजह से यहाँ पे पड़ा है ये। यस देयर इज आवर ब्यूटीफुल ट्री। सो यहाँ पे है प्यारा सा ट्री। ज़्यादा डेकोरेशन नहीं ऐड किए, थोड़े से हमने ऑर्नामेंट्स नए खरीदे थे 3-4, पर मैं चाहती हूँ कि इसमें हम बोज ऐड करें, कुछ डार्क बर्नड ऑरेंज या बर्नड रेड किस्म की या ब्राउन या वुड कलर की। सो अगर वो मुझे मिलेंगी मैं अपनी आँख रखूँगी तो हम उसे इसमें ऐड करेंगे, अदरवाइज़ आई एम प्रिटी हैप्पी विद दिस ब्यूटिफुल नेचुरल लुकिंग ट्री, लाइक क्लासिक क्लासिक डेकोर। सो आज ट्री लगाया है तो हिम्मत को हॉट चॉको मिलेगी जिंजी में, सो इज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। Hey, you go, sweetie. Thank you. बॉडी ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही है एंड बहुत स्लीपी, सो चाय के बाद ना मैं शायद निकल जाना आप लाने लगी हूँ। सो इट्स अ डेट नाइट, मी एंड माई हस्बैंड, मून वाली लाइट आ ते अपा दोनों ने आज शाम दी खूबसूरत सैर करनी है चाननी रात से। ओके मैंने एक इंसिडेंट याद आ गया गाइस। Don't say about the lake, Sukhna Lake. अरे तू कितने गिला मेरी जिंदगी के बाद एक कोई चैप्टर आ यू। ओके दोस्तों मुझे एक इंसिडेंट याद आया, एक हमारी क्लास में लड़का पढ़ता था, वो मतलब हमारे मेरे कज़न ही काइंड ऑफ हो। सो वो बहुत चुप रहा ही, बहुत बोलता नहीं है। सो सैटरडे वाले दिन हमारे स्कूल में ऐसा था कि आपको अपना टैलेंट दिखाना है। ओके सो उस दिन ना टैलेंट जे आपा उन्होंने पुश किया गा 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 कुछ तो कर बेचारा कुछ नहीं करता, खड़ा हो के गाना गान लग गया। सो फिर क्या हुआ, उन्हें गाना गाया, उस तो बाद ही उन्होंने कभी नहीं कहा कि भरा गा तू गाना, पर हवा ना बंदे तो कुछ भी करा देंदी है पंप। एक होर मेरी नॉन क्लास च कुड़ी पढ़ती, पढ़न च बहुत ज़्यादा ही बैड ही, बहुत ज़्यादा बैड की, और मार्क्स 0 आते ही, उन्होंने क्लास से कोई बुलाता नहीं ही, पर मैं ऐसा बैड फील होता है कि उन्होंने बुला लो। टैलेंट वाले चे उन्होंने भी कहा तू भी अपना टैलेंट दिखा, अभी सोचा कि ये कितने कॉन्फिडेंस होना कि ये लाइक पढ़न च बहुत ज़्यादा खराब आ, बोलती भी नहीं आ, तो श्योर ही होंगे कि टेस्ट चे मार्क्स कि आओगे 0 आंडा। हाँ तो फिर आप भी पंप दिता गा 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 कोई गल नहीं, तू कुछ तो तेन आता वो गाना गा गा की पाओ कहती रूड़ा मंडी जावे डंडी हो डंडी जावे रूड़ा तुम्हें दुनिया तो की लैना देना आया करो। सो फिर हमें पता चला कि वो पढ़न च वधिया नहीं आ, पढ़न च वधिया शायद बहुत घट लोग हो गए, लाइक इट्स नॉट अ बिग थिंग, पर कॉन्फिडेंट आ, उन्हें बहुत डिफिकल्ट गाना चुनिया और काफ़ी खूबसूरती दे नाल उन्हें उस गाने को कंप्लीट किया। सो बट जब तक हम उस स्कूल में रहे तब तक उसका नाम रूड़ा मंडी जावे ही रहा, पर एक्चुअली वो 8th में फेल हो गई। स्कूल वाले तो फिर भी पास कर देंदे, 8th तो बोर्ड की थी तो बोर्ड ने तो पास नहीं किया, फिर असी 9th च चल गए, वो 8th च रह गई। तो फिर क्या हुआ, एक साल वो पढ़ी, उस साल भी उससे 8th क्लियर नहीं हुई, फिर उसने स्कूल क्विट कर दिया क्योंकि वो तीसरे साल दूसरे बच्चों के साथ कैसे बैठेगी। पर वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लाइक बहुत प्यारी बहुत काइंड सोल। अभी मुझे ना थोड़ा थोड़ा याद है कि उसका घर कहाँ पे था, मेरा बड़ा दिल करता कि जाके ना कभी मैं इंडिया जाऊँ तो उसका घर लब्बा एंड देखा कि कैसे चल रही है उसकी ज़िंदगी।
अच्छी गर्ल थी वो, महारानी होनी है जिथे भी कोई। हाँ, कुड़ी बहुत प्यारी है। सो या दैट्स अ स्टोरी अबाउट रैंडम टैलेंट डे इन द स्कूल। नाम ही दस्ते, नाम नहीं दसना प्यारी है, है ही है। उन्होंने जिन्हें देखना उन्हें कहना और मेरी घर वाली का आंडा आंदा रहा, उन्हें भावे दसवीं का सर्टिफिकेट ही बनवा लिया हो। लॉन्ड्री को अरेंज कर रही हूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारे पाइल्स हैं क्योंकि ये सारे क्लोथ्स को ना मैंने हैंड के साथ वॉश किया था। मोस्टली ये स्वेटर्स हैं। हाथ से वॉश करने से ऐसा होता है कि यू नो वो श्रिंक नहीं होते, अदरवाइज बहुत टाइट हो जाते हैं कपड़े। नींद आ रही है मुझे क्योंकि कल मैं बहुत अच्छा सोई नहीं थी, पर इन कपड़ों को अरेंज करूँगी ही आज मैं। कितने दिन से मैं इसको स्किप कर रही हूँ, लास्ट वीक से आई गेस। सो आज जैसे हम टैकल करेंगे, पर उसी के साथ बहुत ही प्यारी बातें भी करना चाहती हूँ मैं। मेरे इंस्टाग्राम पे रिसेंटली मैंने लादा काफ़ी सारे मैसेजेस इस टॉपिक पे आए हैं, इसके बारे में मैं ज़रूर से बात करने चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। टॉपिक है लोनलीनेस। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो लोनली फील करते हैं, उनमें से बहुत सारे दोस्त जो घर से दूर बाहर देशों में रहते हैं, NRI हैं, उनको लोनली फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कईयों के दोस्तों ने उनसे बात करना छोड़ दिया है, कईयों के पेरेंट्स यहाँ पे थे पर वो इंडिया गए हैं एंड अब वो बहुत लोनली फील करते हैं। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म का मुद्दा है कि हम अकेले रह ही नहीं सकते हैं। अकेले रहना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम अपने आप से डरते हैं, हम हमारे साथ समय स्पेंड करने से घबराते हैं क्योंकि हम सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते हैं। ये बात मुझे लगता है कि आपको पता होगी कि एक्चुअल में हर एक इंसान अकेला ही है। ये बात पता नहीं कितने लोग समझेंगे, जितने लोग समझे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, पर आई डोंट नो आप इसको कैसे लेंगे, बट इस धरती पे सभी लोग अकेले हैं। यस, हमें साथ मिल जाता है पेरेंट्स का, पति का, फ्रेंड्स का, बट वो हमारे साथ हमेशा स्टिक नहीं कर सकते हैं। डीप इनसाइड अगर आप स्पिरिचुअलिटी के तौर से देखें तो आप अकेले ही हैं। लाइक इतना डिपेंड हो जाते हैं कि अगर आपके साथ दूसरा कोई अच्छा बिहेव करे तो आप अच्छा फील करेंगे, अगर आपके साथ कोई बुरा बिहेव करे तो आप बुरा फील करेंगे, क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं है। आपको अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लोनली रहना या अलोन होना अलग बात है, लोनली फील करना दूसरी बात है। सो अलोन होना एक किस्म का वरदान बन जाएगा अगर आप अपने साथ रहना सीख जाए। अपने साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारी एक तरह की ईगो प्रॉब्लम है कि हमें कुछ शोर चाहिए, हमें दोस्त चाहिए, हमें पार्टी चाहिए, म्यूजिक चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, आजकल सोशल मीडिया चाहिए या लोग चाहिए हमारे अराउंड, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमेशा हम लोग व्यस्त रहें किसी शोर में, हमें पता ना चले कि एक्चुअल में जरूरत किस चीज की है। हम अपने आप में समय स्पेंड करने से घबराते हैं क्योंकि हम ये शोर में व्यस्त रहना चाहते हैं कि जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है, जो कुछ भी है, इस शोर में सारा कुछ मैं भूल जाता हूँ। सो ईगो की प्रॉब्लम भी है ये। हम लोग दुनिया में अकेले आए थे एंड अकेले ही जाएंगे। जब कोई इस दुनिया को छोड़ के जाता है, मरता है, उसके साथ कोई दूसरा बंदा नहीं मरता। अगर मर भी जाए तो वो शायद सेम जगह पे नहीं जाएंगे। सो इस चीज़ को याद रखें कि एवरीवन इज अलोन हियर। जितनी जल्दी आप अकेले रहना सीख जाएंगे और प्यार करेंगे, उतना ही आप
इंडिपेंडेंट होंगे, डिटैच होंगे और अपनी चीजें बहुत खूबसूरती के साथ निभा पाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप हर चीज अकेले करने के काबिल हैं, केपेबल हैं, आपको किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। ये आपके दिमाग की ग्रोथ के लिए, आपके अध्यात्म की ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। आई नो कि ये आसान नहीं है, मुश्किल है, बट सर्टन टाइम के बाद, इस प्रैक्टिस करने के बाद, आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे आपको ये बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। एक तरह ब्लेसिंग लगती है कि थैंक गॉड मेरे पास कोई का चमाचा नहीं है। मैं फ़ोन पे बातें नहीं करती हूँ, मेरी फ़ोन की लिस्ट में सिर्फ मेरी मॉम है, या मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, या मेरा एक दोस्त है, वो है, उसकी वाइफ है, या तीन चार ऐसे लोग हैं, पर मैं उनसे भी बहुत कम बात करती हूँ। लकीली मेरी मॉम इस बात को समझती हैं कि मैं बहुत बातें नहीं कर सकती हूँ। मैं मेरी मॉम के साथ भी लाइक महीने में एक बार बात करती हूँ। वो भी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, वो समझती हैं कि मैं कैसे फील करती हूँ, बिकॉज जितना मैं उनके साथ बातें करती हूँ उनमें से कोई ना कोई चीज़ें मेरे साथ स्टक कर जाती हैं, सो मेरी मेडिटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बट या मैं थोड़ी प्रैक्टिस के बाद उससे रिमूव कर पाती हूँ मेरे अपने अंदर से। बट जितना मैं अलोन रहती हूँ उतना ही मुझे ज़्यादा ब्लेसिंग लगता है। जितना मैं फ़ोन पे कम बातें करती हूँ, जितना मैं कम कनेक्शन बनाती हूँ, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फ़िलहाल मैं वैसी स्टेज में हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि अकेले रहना कितना खूबसूरत है। यस, मैं एक पर्टिकुलर गर्ल का मैसेज पढ़ा मैंने, वो परेशान है, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड उनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम है। उसकी उनके डैड की शायद तबीयत अच्छी नहीं है, मॉम की अच्छी नहीं है, सिस्टर्स की लाइफ भी बहुत ख़राब जा रही है, उनकी खुद की लाइफ बहुत ख़राब जा रही है, और वो कह रही है कि मेरे पास बात करने के लिए कोई भी बंदा नहीं है। एक मेरी दोस्त थी, उसने कुछ सालों के लिए मेरे साथ बात की, बट लेटर उसने कहा कि तुम हमसे बातें करते करते मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है, एंड उसने भी मुझे छोड़ दिया। अब वो बहुत ब्रोकन फील कर रही है, क्योंकि अब वो दोस्त ने उसको छोड़ दिया, लाइक दोस्त ने क्विट कर दी दोस्ती की, ओके आई एम डन, लाइक मैं अपनी मेंटल हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकती हूँ तुम्हारे साथ दोस्ती रख के। अब वो बहुत लोनली फील कर रही है। अब इस सिचुएशन में क्या उसकी दोस्त को ब्लेम नहीं कर सकते हैं? वो उसकी चॉइस है, उसे नहीं अच्छा लग रहा है ये रिश्ता, क्योंकि जब हम हमारी प्रॉब्लम्स ही किसी दूसरे रिश्ते में देते रहते हैं, वो बंदा भी लेटर थक जाता है, क्योंकि किसी को आपकी प्रॉब्लम से कुछ ज़्यादा खास लेना देना नहीं होता है। यस, वो आपको प्यार करते हैं, थोड़ी देर सुनेंगे, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत रो रो के बातें करते हैं, लेटर वन वो समय आता है जब वो बातें करना कम कर देंगे या कहेंगे तुम तो हमेशा रोते रहते हो। सो आप रो सकते हैं अपने परमात्मा के आगे, अपने अल्लाह के आगे रो सकते हैं, वो हमेशा सुनते हैं। जितना आपका दिल प्योर होगा, क्लीन होगा, आपके भाव अच्छे होंगे, वो उतनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। तो जो भी आपकी तकलीफ है वो उनके साथ रो के शेयर करें, पहले प्रेयर करें, अगर आप मुस्लिम हैं नमाज पढ़ते हैं प्रेयर करें, जो भी आपका रिचुअल है, उसके बाद रोएं जितना रोना चाहते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बताएं कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मैं इस टाइम ऐसे खुश नहीं हूँ। कुछ महीनों हफ्तों के बाद वो आपको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे, बेशक वो ड्रीम के जरिए करे, या कोई ऐसा दोस्त आपकी लाइफ में आ जाएगा, या फिर कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु आपकी लाइफ में आ जाएगा जिसकी बातें आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। सो वो ओनली वन पर्सन है जिनका प्यार अनकंडीशनल है। पेरेंट्स से ज्यादा प्योर लव परमात्मा का होता है। उनके साथ बातें करें, अपना दिल खोलें, रोएं। मैं तो कहूंगी कि आप हर रोज रोएं, हफ्तों तक रोएं, जब तक आपका रोना पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, एंड वो आपको जरूर से कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे, एंड रो के चीजों को निकाल दें। आप किसी भी बंदे के साथ उतना खुल के रो नहीं सकते हैं, अपने दिल की भावनाएं नहीं बता सकते हैं, जितना परमात्मा के साथ कर सकते हैं, अल्लाह के साथ कर सकते हैं, देवी देवताओं के साथ कर सकते हैं। सो प्लीज उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, उनके साथ डिस्कशन करें। अगर आपको लगता है कि बातें करना पागलपन सा लगता है, तो चिट्ठियां लिखें उनको, एक मतलब रोज एक चिट्ठी लिखें, दुख भरी, जो भी आपकी जिंदगी में तकलीफ, अगर आपकी सेहत खराब है उसमें लिखें कि परमात्मा, जो भी आप उनको जिस भी नाम से पुकारते हैं, जीसस, अल्लाह, शिवा, तो वहां पे लिखें कि शिवा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ में कोई और नहीं है। शिवा जरूर से सुनेंगे।
एंड दूसरी चीज है कि मेडिटेट करा करें, किसी भी किस्म का नाम जाप करें, मेडिटेट करें, वो आपको आपके साथ रहना सिखा देगा, वो भी इतनी खूबसूरती के साथ, और आपको पता चलेगा यही तो मुझे चाहिए था. यू नो, इस धरती पे जितनी भी चीजें हैं, जितना भी मटीरियल है, जितने भी दोस्त है, जो भी रौला है, जो भी स्टेटस है, वो सारा कुछ आपको मिल जाए फिर भी आपको शांति नहीं मिलेगी. एंड ऑफ द डे आपको अध्यात्म में आना ही पड़ेगा. जितने भी आप हाई लेवल पे पहुंच जाए कि असली शांति आपको इसी में मिलने वाली है, वो जितना जल्दी समझेंगे उतना ज्यादा अच्छा है. सो आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी, पर मैं इस पे ना बहुत ज्यादा एलैबोरेट करके बातें बताना चाहती हूँ, कि मेरे पास बहुत प्यारी सी बातें हैं अकेलेपन को लेके. पर यहाँ पे मैं कुछ टिप्स बताऊंगी एक नॉर्मल मेरे जैसे इंसान के लिए, जो लोनलीनेस को कैसे दूर करे अगर वो स्पिरिचुअल नहीं होना चाहता है. बट या अगर होंगे तो बहुत अच्छा है और वो ज़रूरी भी है. पर आप ऐसी कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें जहाँ पे आपके जैसे लोग हों, जो जिनको आपके जैसी चीज़ें पसंद हों. फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप देखें कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है. और आप वॉलंटियर काम कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे, अनकंडीशनल चीज़ें करने वाले लोग मिलेंगे. एंड आप पेट रख सकते हैं अपने घर में, एक ऐसा जो आपका साथी बने. डॉग्स बहुत प्यारे पेट बनते हैं, बहुत प्यारे साथी हैं, वो कर सकते हैं. एंड जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उसको इन्हेंस करें. अगर आपको आर्ट अच्छा लगता है, क्लासेस ज्वाइन करें, चीज़ें क्रिएट करें. पर अपने आप को फालतू में व्यस्त रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. वॉक के लिए जाया करें, किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी को ज्वाइन करें, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा करें, कुछ भी ऐसा जिससे आपकी एनर्जी यूज हो. हाइक करने के लिए जाएं. एंड जर्नलिंग करने की कोशिश करें. जर्नलिंग करना बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली अगर आप में इमोशंस अप एंड डाउन होते रहते हैं. तो जर्नलिंग में इस चीज का ध्यान जरूर से रखें कि आप अपने विचारों के साथ ऑनेस्ट रहें. जैसा भी फील कर रहे हैं वो लिखें. पुराने लिखे हुए विचारों को पढ़ें हफ्ते बाद, महीने बाद. एंड पॉजिटिव चीज़ें भी लिखें. अपनी पुरानी प्यारी मेमोरीज जो आपको बहुत अच्छी लगती थी वो लिखें. अपनी लाइफ कैसी चाहते हैं वैसी एफर्मेशंस भी लिख सकते हैं. जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आपको अकेले ही इस जर्नी को फिनिश करना है, उतना ज़्यादा अच्छा होगा. जो भी आपके आसपास चीज़ें होती हैं ब्लेसिंग्स, उसको ब्लेसिंग की तरह लें. उससे एक्सपेक्टेशंस मत रखें कि आपका कोई दोस्त है वो हमेशा आपके साथ रहेगा. वो हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा कोई किसी के साथ नहीं रहता है. पार्टनर्स भी दूर हो जाते हैं, कई बार कोई परमात्मा के पास आपसे पहले चला जाता है. बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं. सो हर सिचुएशन में आप तभी रेडी रहेंगे जब आप अपने से प्यार करेंगे और अपने साथ रहने के लिए रेडी हैं. आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी. एंड इससे भागे मत, ये बहुत प्यारा है एंड बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर आपको अपने साथ प्यार करना आ जाए एंड अकेले रहने में मजा आ जाए. बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि मैं लोनली फील नहीं करती हूँ, मैं दोस्तों को नहीं करती हूँ, तो मैं बिल्कुल लोनली फील नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये. जब मुझे कहीं पे जाना है, किसी के साथ मिलना है, मैं अपना 100% देती हूँ उनको मिलने के लिए. पर मुझे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मज़ा आता है बल्कि मुझे. और मैं बहुत घंटों तक रह सकती हूँ, दिनों तक, हफ्तों तक, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रियल साथी मैं खुद ही हूँ. सो या दैट्स दैट. अब मुझे ढूंढने पड़ेंगे हैंगर्स, स्वेटर्स है मेरे पास हैंग करने के लिए. सो हैंगर्स की काफ़ी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है दोस्तों. अभी ना मैंने एक प्लान बनाया है कि जितने भी मेरे पास स्वेटर्स हैं ना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर स्वेटर को एवरी डे पहनूँ, ताकि मैं सारे स्वेटर्स को यूज़ कर पाऊँ. क्योंकि मैं ना सेम चीज़ बार बार पहनती हूँ, एक्सप्लोर नहीं करती हूँ. एंड ये बेचारे इतनी सारी चीज़ें इतनी बड़ी रहती हैं, की फ़ायदा, राइट? अगर आप भी ऐसे करते हैं तो प्लीज़ मत करें. एंड एक और मैंने मेकअप के लिए भी रूल बनाया है कि रोज मैं नए कलर का लिप शेड ट्राई नहीं करूंगी, जो मेरे पास है उनको पहनूंगी, ताकि उनको भी यूज किया जाए. एंड बहुत प्यारे प्यारे लिप शेड्स मिले हैं मुझे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी. उनमें से अगर आपको कोई अच्छा लगे तो आप भी ले सकते हैं. सो बहुत सारी रिकमेंडेशंस है मेरे पास आप लोगों के लिए, अगर आप ट्राई करना चाहें तो. सो मेरे पास ज़्यादा हैंगर्स नहीं हैं. सो ऐसी मुश्किल की कड़ी में क्या करती हूँ मैं, जब मेरे पास हैंगर्स नहीं होते, मैं हस्बैंड के हैंगर्स स्टील कर लेती हूँ. बिकॉज़ व्हाई नॉट, राइट? पति की चीज़ें तो पत्नी को चोरी करने का पूरा हक है ही. हस्बैंड के पास बहुत सारे हैंगर्स हैं, पर बहुत सारी समर्स वाली शर्ट्स पे हैं. तो ऐसे करते हैं, समर वाली शर्ट्स को फोल्ड करके रख लेते हैं, जो नहीं पहनेंगे वो. एंड देन पति के हैंगर्स करेंगे स्टील. सो दिस गाय आई थिंक इंडियाना सर जाएगा.
एंड मुझे लगता है कि जितने मुझे स्वेटर चाहिए थे जो लाइक प्यारे प्यारे से कलर वो मेरे पास ऑलरेडी थे, पर फिर भी मैंने दो चार चीज़ें ऐड की हैं मेरी कलेक्शन में. लाइक ऐड कोई खास कलेक्शन में नहीं, बट उस उसके लिए कि जो मैं रोज़ घर में स्वेटर्स पहन पाऊँ. सिया ज़्यादा नहीं शॉपिंग की है मैंने, पर मेरा ये एक्चुअली मैंने ना रूल बनाया है कि अगर मैं शॉपिंग करूँगी ना तो फिर मुझे ना घर से कितने जितने मैं लेके आऊँगी कपड़े उतने निकालने भी पड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करती रहूँ, पाइल एंड पाइल होर्डिंग, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट. सो इसलिए फिर ना मेरा ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए मन नहीं करता, क्योंकि जो भी मेरे घर में पीसेज हैं मोस्टली मुझे अच्छे ही लगते हैं. सो दिस इज़ अ गुड रूल कि अगर ज़्यादा स्वेटर चाहिए तो स्वेटर नहीं कोई भी आइटम्स चाहिए घर से निकालनी भी पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग तो चीज़ें ले ला के राजते ही नहीं है. ये भी हो तो अच्छा हो, ये भी हो तो अच्छा हो, सामान इकट्ठा करिए हमने धरती पे. इसीलिए दोस्तों समा साढ़े को बहुत कम है. सो जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसको यूज़ कर लें, बचा बचा के मत रखें कि तब पहनेंगे तब पहनेंगे, वो तब कभी भी नहीं आती है. समझ में आया आपको? सो मैंने देखा है कि जो भी मैं हैंड से वॉश करती हूँ ना स्वेटर्स तो वो अच्छे हैं, लाइक फिट अच्छे हैं, अदरवाइज वो बेचारे टाइट हो जाते हैं, उन्होंने पड़े लग गया फिर. ये अच्छे हैं पर इसे मुझे थोड़ा आयरन करना पड़ेगा, बेचारे जब बाल जब आ गया लेटर करेंगे, पर इन स्वेटर्स को हम कर देते हैं हैंगी हैंगी. ऑलमोस्ट डन बाय द वे, एक स्वेटर रह गया दिस गाय, इन्होंने प्रेस करना पड़ा बेचारा ना, बड़ा गरीब जहा लगता है. सो हस्बैंड के हैंगर्स हम कर देते हैं वापस, यूज़ नहीं किए हमने. सो इसको भी थोड़ा क्लीन कर देते हैं, डस्ट जम जम दिया. सो ये बहुत ही प्यारी सी ना मुझे एक चेयर मिली है, आई होप यू गाइस कैन सी. इसमें ना आप फ़ोन दिखा सकते हैं अगर आप अपना फ़ोन पे कुछ देखना चाहें, तो इस वजह से ही यहाँ पे पड़ा है. फ़ोन ने बोल दिया है कि मैडम सोने का समय हो गया है, पर जो सोने के लिए चलते हैं. ऑलराइट प्यारे दोस्तों, अपने आप को प्यार करें, अपना ख्याल रखा करें, लाइफ बहुत छोटी है, जो चीज़ें करना चाहते हैं करें, जो चीज़ें पहनना चाहते हैं पहने, एंड किसी भी किस्म का अध्यात्म ज़रूर से फॉलो करें, आपकी लाइफ बदल जाएगी एंड आप बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड हर सिचुएशन में कैसे खुश रहना है, कैसे सिचुएशन को डील करना है सीख जाएंगे. एंड ऑल्सो एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप जाना चाहते हैं मेरे पास ऐसी 15-20 टिप्स हैं जिनके चेंजेस से मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है, अगर आप चाहें तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगी ज़रूर से. कमेंट बार में बताना कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. ओके सो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही प्यारी लिपस्टिक, ये फार्मूला ही बहुत ज़्यादा प्यारा है. ये है ये है रेवलॉन की कलर स्टे स्यूड इंक लिपस्टिक. जो शेड मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है 002 नो रूल्स. ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा किस्म का पिंक शेड है ब्राउन स्किन गर्लीज़ के लिए, और इसका फार्मूला इतना ज़्यादा अच्छा है कि लगाते क्रीम जैसे लगता है एंड देन मैट जैसी बहुत प्यारी फिनिश आती है. अगर आपको ग्लॉसी लिप्स नहीं अच्छे लगते हैं अदरवाइज़ आप इसके ऊपर ग्लॉसी लिप ग्लॉस यूज़ कर सकते हैं. ये जो फार्मूला है ये प्राइमर के साथ है, तो आपकी जो लिपस्टिक है लॉन्ग लास्टिंग है, और ये ट्रांसफ़र प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है, एंड पूरा दिन रहती है, सारा दिन कहीं पे नहीं जाती है. आई डोंट नो क्या फार्मूला है, एंड एक साल पुरानी है एंड मैंने रिसेंटली मिली है एंड मैं बहुत खुश हूँ. एंड इसके और भी बहुत प्यारे प्यारे शेड है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जल्दी करूँगी, पर ये वन ऑफ दोज है जो आपको ज़रूर से लेना चाहिए. पर और भी कुछ हैं शेड्स, सो अगर आप थोड़ा सा लगाएंगे तो ऐसी फिनिश आएगी जैसे आपके लिप्स पे स्टेन जैसा है, पर अगर आप इसको अच्छी तरह अप्लाई करें, इसमें लिप लाइनर ऐड करें, तो बहुत प्यारा कॉम्बो है. एंड इसकी जो फिनिश है इतनी क्लासी है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैट किस्म के लिप्स, उससे मेरे लिप्स ना बहुत ज़्यादा छोटे नहीं लगते, अदरवाइज मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा पिग्गी लगते हैं, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी. एंड जो ब्राउन दोस्त हैं ब्राउन स्किन वाले, एंड वो ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कुछ न्यूड वार्म पिंक बेस्ड शेड आपको ऐसी फिनिश अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर से बताना, मैं और भी शेड आपके साथ शेयर करूँगी, पर मुझे लगता है ये आपको ज़रूर से खरीद लेना चाहिए. ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बार में अपने प्यारे प्यारे विचार से बताना, एंड अगर आप मुझसे कोई स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताना, एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें, एंड वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं. मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें आप बहुत प्यारे हैं जैसे भी हैं. आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. आसान है ना? आसान है, क्योंकि करना तो आप ही को है, आपको करना है,
आप ही को एक्शन लेना है। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। बाय बाय।